हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है बेसन के पापड़। आप ये किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, होली दिवाली किसी भी फेस्टिवल पर बना के खा सकते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है और उसमें रिफाइंड से हम उसमें मावा लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से लगा लिया हमने ऑयल, परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे ली हमने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, अच्छा कलर देने के लिए, थोड़ी सी हींग लेंगे और लेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे अजवाइन। और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें आटे को गूंद लेना है अच्छी तरीके से और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूंदेंगे। और यहाँ पे अच्छा परफेक्ट डो रेडी कर लेंगे। और ये बेसन है तो इसको थोड़ा ज़्यादा गूंदना पड़ता है तब ये अच्छी तरीके से हो पाता है, वरना अगर अच्छी तरीके से इसको नहीं गूंदेंगे तो जो पापड़ बनाएंगे वो आसपास से फटेगा। इसलिए इसको काफ़ी देर तक गूंदना रहता है ताकि पापड़ हमारा फटे ना। और यहाँ पे छोटे छोटे से इसको काट लेंगे और इसके बाद इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से बेल के भी बना सकते हैं छोटा छोटा, और अगर आपसे गोल नहीं बन रहा है तो आप किसी भी बर्तन की सहायता से इसको काट सकते हैं। और यहाँ पे इसको हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट कर देंगे और आपको इसको पतला ही बेलना है, मोटा नहीं रखना है। और यहाँ पे किसी भी बर्तन की हेल्प से इसको कट कर लेंगे ताकि ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। से हम अपने सारे पापड़ को इसी तरीके से बेल के अच्छी तरीके से कट करते जाएंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे हमें सारे पापड़ को अच्छी तरीके से सेंक लेना है ऑयल में। और ये पापड़ जो बनने के बाद रेडी होगा ये बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। और
पापड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, पापड़ उनके रेडी हो गया है। आप तोड़ने पे बिल्कुल बहुत ही आसानी से टूट जाता है, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता पापड़ बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।